Hello everyone, welcome back to House of Anabolics. My name is Riyaz Khan and we are back with new video. Today's topic is why I don't make a cycle for anyone. People often send me messages on Instagram that I make a cycle, make a stack, make a steroid, is it okay or not? और मैं जनरली उनको मना करता हूँ कि नहीं, ये आप नहीं ले सकते ऐसे, मैं आपकी साइकिल नहीं बना सकता हूँ. तो वो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतना सारा वीडियो पे इन्फॉर्मेशन देते हो तो फिर आप साइकिल क्यों नहीं बना देते हो हमारा. तो आंसर ये है इसका कि जो साइकिल बनता है लोगों का वो ऐसे नहीं बन जाता है हवा में. जैसे जनरली ट्रेनर्स देते हैं कि अच्छा आपको क्या करना है, आपको गेनिंग करना है तो ये लो डेका बोल्टी टेस्ट लगा और आपकी गेनिंग हो जाएगी. तो ऐसे नहीं बनती है साइकिल. साइकिल बनाने के अपने तरीके होते हैं, बहुत सारी एनालिसिस की जाती है एक साइकिल बनाने के लिए, तब कहीं जाके हम डिसाइड करते हैं कि हाँ अब जो है इस बंदे का हम साइकिल चला सकते हैं. और एक कितना पर्टिकुलर टाइम तक उसको ड्रग दिया जा सकता है, कोई ड्रग उसको हार्म तो नहीं कर रहा है, किसी ड्रग से उसको कोई बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, इन सब की एनालिसिस की जाती है. तो ये एक बार में देने वाली तो चीज़ ही नहीं है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये पर्टिकुलर 3 ड्रग या 4 ड्रग लगा लो और आपकी बॉडी बन जाएगी तो नहीं बनेगी, क्योंकि सभी लोगों को सारी ड्रग सूट नहीं करती है. हो सकता है कि किसी के केस में हमें वहां से कोई पर्टिकुलर ड्रग हटा के हो तो कुछ और डालना हो. फॉर एग्जांपल, लोग हमने किसी को जो है टेका बोल्डी टेस्टा की साइकिल दी और पता चला कि उसको बोल्डिनोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बोल्डिनोन हटा के उसके जगह पे उसका कोई अल्टरनेटिव डालना पड़ेगा, तब जाके वो चीज अचीव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. मगर लोग इस चीज को ना समझ कर बस वही भेड़ चाल में चलते रहते हैं. तो इसीलिए आधे लोग बोलते हैं मेरे को तो स्टेरॉइड काम ही नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को जो है ये वाला साइड इफेक्ट आ गया. तो मैं आपको कुछ अभी बेसिक पैरामीटर्स बता रहा हूँ जिसपे हम ये जज कर लेते हैं कि भाई बंदा साइकिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो बेसिक पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि पहले उसकी बेसिक बॉडी की एनालिसिस की जाती है, उस पर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं. इसमें सबसे टॉप पे आता है PSA लेवल्स. PSA होता है प्रोस्टेट का टेस्ट. तो जब आपके PSA लेवल चेक होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में प्रोस्टेट ये नेचुरली तो नहीं बढ़ता है. कई लोग जेनेटिकली इनका प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है. तो अगर आपका जेनेटिकली प्रोस्टेट लेवल हाई रहते हैं और आप किसी भी तरह का स्टेरॉइड यूज करेंगे जो टेस्टोस्टेरोन या DHT का डेरिवेटिव है या टेस्टोस्टेरोन ही है, तो आपके प्रोस्टेट के लेवल्स के अंदर, PSA लेवल्स के अंदर चेंजेस आएंगे. इस वजह से हम प्रोस्टेट का स्पेशल एक टेस्ट रखते हैं कि आप पहले इसको चेक कराइए. दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एस्ट्रोजन लेवल चेक, कि बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल जेनेटिकली एस्ट्रोजन बनाने की क्षमता कितनी है. तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है उसका लीवर का टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट. कॉमन टेस्ट है, बहुत लोग कराते हैं. उसके अलावा एक टेस्ट किया जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट. किडनी फंक्शन टेस्ट के बाद कैल्शियम के लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल, इनका भी टेस्ट कराया जाता है. साथ ही साथ एक बेसिक एनालिसिस किया जाता है लिगमेंट्स और जॉइंट्स इन सब के ऊपर कि आपके लिगमेंट्स वगैरह वीक तो नहीं है. होता क्या है कि जब आप ड्रग लेते हैं तो आपकी बॉडी मसल तो गेन करती है मगर उतनी तेजी से आपके लिगमेंट्स को या टेंडन्स को स्ट्रांग नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है लोगों को नी इंजरीज या फिर बोन जो है उनकी क्रैक हो जाती है. तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, जो है खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर जो है लोग ऐसे ही साइकिल ले लेते हैं. तो उसका भी एक एनालिसिस किया जाता है कि कैसा है. उसके अलावा और जो चीजें देखी जाती हैं कि बॉडी की फैट परसेंटेज क्या है और बॉडी की फैट को कैरी करने की क्षमता कितनी है. यानी अगर आपकी बॉडी जेनेटिकली ज्यादा फैट कैरी करती है, आप एक जो है ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो लोग जेनेटिकली ही हैवी होते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से स्टेरॉइड बनाया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि जो स्टेरॉइड स्टैक किसी के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी काम कर रहा है. हो सकता है आपको वो चाहिए ही नहीं या आपके ऊपर वो काम ही नहीं करेगा, और अगर आप उससे कुछ अचीव कर भी लेते हैं तो बहुत टेम्परेरी होगा और बहुत जल्दी चला जाएगा. तो इस तरह की दिक्कतें लोगों को आती हैं. इसी वजह से मैं लोगों को मैसेजेस में साइकिल सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है एक्चुअल में किसी के लिए साइकिल बनाना कि उसको सूट करे. उसके बाद उसकी एनालिसिस करना, वीकली एनालिसिस होते हैं, मंथली एनालिसिस होते हैं और डेली एनालिसिस भी होते हैं कुछ केसेस के अंदर, जिनमें देखा जाता है कि कैसे इनके ऊपर इसका रिएक्शन आ रहा है. बहुत ही ज्यादा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, लगातार ब्लड टेस्ट चलते हैं जिससे पता चलता है कि बॉडी पे क्या रिएक्शंस चल रहे हैं, मगर जनरली लोग उतना कराते नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको हर वीक 3 ब्लड टेस्ट लिख दूंगा या 4 ब्लड टेस्ट लिख दूंगा, यार हफ्ते आपको ये ब्लड रिपोर्ट सबमिट करानी है, कोई इमरजेंसी होता हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के डॉक्टर से मिलाए जाके, तो आप बोलोगे नहीं हमें नहीं करना है. तो बात वहीं पर आ जाती है. अगर आप वो सब कर सकते हैं
तभी कहीं सोचा जा सकता है कि हम साइकिल बना सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता साइकिल बनाने का। ट्रेनरों के झमेले में मत फंसो, इन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि साइकिल एक्चुअल में बनता कैसा है। भेड़ चाल में चलते आ रहे हैं, जो स्टेरॉइड उनको लगे वो आगे लगा देते हैं, बस यही चल रहा है। अगर इनसे बाहर निकलना है तो वाकई में कभी स्टेरॉइड साइकिल चलाना चाहते हो तो इन सबको जरा टेस्ट कराओ। अगर ये सब कुछ ठीक है तो आपकी बॉडी वैसे ही बन जाएगी, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कराओगे तो बॉडी बन जाएगी। तो बात ये आती है कि लोग ये इन चीजों पे ध्यान ना देकर पता नहीं किस चीज में लगे रहते हैं, और फिर बात ये होती है कि जो इनकी चीज बिगड़ी हुई होती है शरीर में वो और ज्यादा बिगड़ जाती है, और वो इस लेवल तक बिगड़ जाती है कि वो ठीक ही नहीं हो पाती है। तो वहां पे एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को, और फिर वही स्टेरॉइड अब्यूज का नाम और स्टेरॉइड को गालियां देने वाली बात आ जाती है। आपको पता है मैं स्टेरॉइड बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ, अब मैं तो हमेशा ही मना करता हूँ कि कभी नहीं लेने चाहिए, अनटिल और अनलेस आप जो है इससे पैसा नहीं कमा रहे हो या आपका कोई प्रोफेशनली कुछ इनकम हो रही है इससे। मतलब फालतू में लेते हैं स्टेरॉइड, गोवा जाना है तो स्टेरॉइड दे दो, आपको बस अच्छा दिखना है तो स्टेरॉइड दे दो, एक बढ़िया सी शर्ट पहनने के लिए लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं तो फिर क्या फायदा है। मतलब आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बॉडी अपना डेवलप हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं होती है। सजेस्ट नहीं करता हूँ। आई होप बहुत से लोगों को आंसर मिल गया होगा जो इंस्टाग्राम पे मुझे लगातार मैसेज करते थे कि आप स्टेरॉइड साइकिल बना दो, स्टैक बना दो। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं स्टैक नहीं बनाता हूँ। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो है ट्रेन के ऊपर, ट्रेन मिलोन के ऊपर, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, स्टेरॉइड के ऊपर, जो मेरे हिसाब से आज तक कवर की ही नहीं गई है, तो वो उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच गाइस।